दोस्तों, वेलकम टू सिविल बेसिक कोर्स। आज का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन 200 × 450 mm और रॉल इज रेनफोर्स विद 3-16 mm डाया ऑफ इफेक्टिव डेप्थ 420 mm एंड इफेक्टिव स्पैन 5 meters। द बीम सपोर्ट ए लोड ऑफ 10 kN/m। कैलकुलेट द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन। यूज M20 कॉन्क्रीट एंड Fe 415 स्टील। ये प्रॉब्लम सेम है, प्रॉब्लम है जो पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, सिर्फ इसमें लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन ऐड कर दिया है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। तो इसमें स्टेप नंबर 8 तक सेम प्रोसेस करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे स्टेप नंबर 9 में, कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन। उसमें निकालना पहला क्या है, डिफ्लेक्शन ड्यू टू श्रिंकेज ACS निकालना है। तो ACS को निकालने के लिए हम लोग क्या करें कि ये जो है ACS इक्वल टू होता है K3 5 CS इक्वल टू L2। ठीक है, तो ये कोड बुक में दिया हुआ है IS 456/2000 में, वहाँ आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ दिया हुआ है ACS इक्वल टू K3 5 CS L2। यहाँ इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको लिख लेंगे, उसके बाद आ जाएंगे ये पेज नंबर में दिया हुआ है, ये पेज नंबर 88 में ये। ठीक है, अब इसमें K3 जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो K3 का वैल्यू भी यहीं से आ जाएगा। K3 इज इक्वल टू देखिए 0.5 कैंटिलीवर के लिए, 0.12 सिंपली सपोर्टेड और 0.086 इसके लिए कॉन्टीन्यूस के लिए है। ठीक है, तो हम लोग ले लेंगे K3 का वैल्यू ले लेंगे 0.125। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद आ जाएंगे अब हम लोग उसी में आएंगे, तब हम लोग देखेंगे फाई का जो है, साई का वैल्यू जो है, साई CS का वैल्यू क्या है। इसी में दिया हुआ साई CS का वैल्यू देखिए, यहाँ दिया हुआ साई CS इक्वल टू श्रिंकेज कैलकुलेशन इक्वल टू K4/ECS/D। तो लिख लेंगे ECS इक्वल टू इनटू सॉरी K4 इक्वल टू डिवाइड बाई ECS/D, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग D का जो है वो हो जाएगा ओवरऑल डेप्थ। D जो है क्या है, ये है ओवरऑल डेप्थ है। ठीक है, अब K4 कैसे निकलेगा, तो K4 का फॉर्मूला होता है, K4 का फॉर्मूला यहाँ देखिए दिया हुआ है 0.72 PT - PC_PT > or = 1.0 फ्रॉम 0.525 > PT - PC > 1.0। ठीक है, उसका = 0.65 का भी दिया हुआ है उसमें वो, तो दोनों का वैल्यू लिखेंगे हम लोग। यहाँ से लिख लेंगे 0.72 PT - PC √PT। ठीक है, > or = 1.0 फॉर 0.25 से लेके PT - PC 1.0 तक। ठीक है, और एक तो फॉर्मूला है 0.65 × PT - PC √PT 1.0 से फॉर PT - PC > 1.0। ठीक है, ये वैल्यू से तो हम लोग आ जाएंगे पहले PT का वैल्यू निकालेंगे, PT भी यहीं से आ जाएगा। ठीक है, आगे जाइएगा तो यहाँ पर PT का वैल्यू दिया हुआ है पेज नंबर 89 में। PT का जो दिया हुआ है, PT इसका टू कितना दिया हुआ है 100 AST BD। ठीक है, और PC दिया हुआ 100 ASC BD। PC दिया हुआ 100 ASC BD। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला लिख लेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे, हम लोग 100 है, ST का वैल्यू कितना है था 603 डिवाइड बाय B, हम लोग का 200 है और D जो है 420 है। ठीक है, ये निकल जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 0.71%। ये जो निकाला है ये हम लोग पहले वीडियो में निकाला, पहले ही स्टेप में निकाला है, ST परसेंटेज ऑफ स्टील निकाला है। ठीक है, वहाँ से इसको ले लिया हम लोग। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग इसमें PSC में, तो इसका भी 100 ASC का 0 है। ठीक है, 200 × 420 ये हो गया कितना हम लोग का 0। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग 9
पी टी माइनस पी सी, पी टी का अंदाज 0.71 माइनस 0, ये हो गया कितना 0.79। तो ये क्या है, ये जो है बड़ा है 0.25 से, ठीक है, और लेस है 1.0 से, ठीक है। तो ये किसके अलावा फॉर्मूला पर भी है, इस पर है कि पी टी एवं पी सी क्या बड़ा है 0.25 से और 1.0 से छोटा है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, ये यूज़ करेंगे अब, क्योंकि ये तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बड़ा तो है नहीं 1.0 से, जो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे अब हम लोग। तो क्या था फॉर्मूला इसमें, था 0.72 इंटू पी टी माइनस पी सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट पी टी, ये फॉर्मूला लेंगे, ठीक है, इसको निकाल लेंगे। 0.72 इंटू पी टी 0.71 माइनस 0 अंडर रूट 0.71 का अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। इससे हम लोग का वैल्यू जो आ जाएगा वो आएगा, के फोर का वैल्यू आया कितना 0.60, जो लेस देन है 1.0 से, ठीक है। अब साइज सी एस निकाल लेंगे। साइज सी एस निकालने के लिए के फोर का फॉर्मूला ई सी एस बाई डी था, ठीक है। तो के फोर कितना आया 0.60, ई सी एस का वैल्यू होता है 0.003, ठीक है, 450। इसको ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁷। अब यहाँ पर है ई सी एस का वैल्यू कहाँ से आया हम लोग का 0.003, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ई सी एस वेयर ई सी एस इज अल्टीमेट श्रिंकेज स्ट्रेन ऑफ कॉन्क्रीट सी 6.2.4। वहाँ पर जाके देखेंगे तो वहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब 6.24 में गए हम लोग, वहाँ पर ये गए तो देखा यहाँ पर 0.003 वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक है, ये वैल्यू हम लोग यहाँ लिख लिया। इससे आगे हम लोग का वैल्यू ये 4 × 10⁻⁷। अब हम लोग निकाल लेंगे ए सी एस, ठीक है। ए सी एस का क्या फॉर्मूला था, के थ्री साई सी एस एल स्क्वायर। तो के थ्री कितना आया हम लोग का 0.125, जो वैल्यू दिया हुआ था, क्या यहाँ पर हम लोग लिखा था वैल्यू, के थ्री का वैल्यू 0.125, क्योंकि ये सिंपल सपोर्ट था इसलिए, ठीक है। तो 0.125 इंटू फाइव सी एस, फाइव सी एस का 4 × 10⁻⁷ इंटू एल स्क्वायर, एल कितना था 5 मीटर, इसको एम एम कर लिया, स्क्वायर कर लिया, तो ये आ गया कितना हम लोग का 1.25 mm। ये आ गया हम लोग का ए सी एस का वैल्यू, मतलब श्रिंकेज का वैल्यू आ गया डिफ्लेक्शन ड्यू टू श्रिंक। अब हम लोग जाएंगे निकालेंगे डिफ्लेक्शन ड्यू टू क्रिप, क्रिप का निकालेंगे अब हम लोग। तो क्रिप का होता है फॉर्मूला, वहीं जाएंगे पेज नंबर 88 में, यहाँ दिया हुआ फॉर्मूला ए सी सी पम इजकल टू आई सी सी पी आर एम माइनस ए आई पी आर एम, ठीक है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, यही फॉर्मूला लिख लेंगे ए सी सी पी आर एम इक्वल टू ए आई सी सी पी आर एम माइनस ए आई पी आर एम, ठीक है। ये लिखने के बाद उसके बाद हम लोग को दिया हुआ यहाँ पे एक और फॉर्मूला दिया हुआ है कि यहाँ पर बताया हुआ क्या है, ए आई सी सी पम्प ये सब इनिशियल प्लस क्रीप डिफ्लेक्शन ड्यू टू परमानेंट लोड ऑप्टेन यूजिंग इलास्टिक एनालिसिस विद इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ ई, और ए सी दिया हुआ है ई सी डिवाइडेड 1 + थीटा। तो क्या दिया हुआ इसमें, ए सी इज इक्वल टू ई सी 1 + थीटा, यह दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि थीटा जो है होता है क्रीप कोफिशियंट कितना होता है 1.6 होता है फॉर 28 डेज के लिए, ठीक है। ये दिया हुआ भाई क्लॉज नंबर दिया हुआ है 6.2.5.1 में जाइएगा तो थीटा का वैल्यू दिया हुआ है फॉर 28 डेज के लिए 1.6 होता है, ठीक। तो इससे हम लोग निकाल लेंगे ई सी निकाल लेंगे, तो ई सी निकाल लेंगे जब ई सी 1 + थीटा, तो ई सी का वैल्यू ई सी 1 + 1.6, तो इससे आ जाएगा हम लोग का ई सी इजकल टू
2.6, ठीक है। तो ई थी इक्वल टू 2.6 इंटू ई सी ई, ये आ जाएगा हम लोग का वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए आई सी सी निकाल लेंगे, ए आई सी सी पम पी आर एम ये निकाल लेंगे, मतलब ए आई सी सी पी आर एम ये निकालना है हम लोग को। तो ये निकालने का क्या होता है कि 2.6 इंटू ए आई पी आर एम। तो ए आई पी आर एम जो है ये क्या है, ये शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन है जो पहले हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पर हम लोग वैल्यू निकाला था शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन का, पिछले क्वेश्चन में कितना डिफ्लेक्शन आया था, 6.34, यही वैल्यू हम लोग को हो जाएगा ए आई पी आर एम। ए आई पी आर एम हो गया ये, इसको कर लेंगे 2.6 इंटू कितना आया था हम लोग का, 6.34 पिछले क्वेश्चन में शॉर्ट डिफ्लेक्शन, इसको निकल जाएगा 16.48 mm, ठीक है। ये आ गया आंसर। अब ए सी सी पी आर एम निकाल लेंगे हम लोग। ए सी सी पी आर एम निकालने के लिए क्या करेंगे, यही क्वेश्चन लिखेंगे, ए आई सी सी पी आर एम माइनस ए आई पी आर एम, ठीक है। ए आई सी सी पी आर एम जो है कितना है, 16.48 माइनस ये जो वैल्यू है ए आई पी आर एम का वो लिखेंगे 34, ये लिख लिया। इतना करने के बाद हम लोग का कितना आ जाएगा, ये ए सी सी पी आर एम ये हो गया हम लोग का 10.14 mm, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेंगे टोटल लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन कितना हुआ, ए एल डी टोटल लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन, ये हो गया टोटल लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन, ये कितना हुआ, ये देखने के लिए ए आई पी आर एम प्लस ए सी एस प्लस ए सी सी पी आर एम, ठीक है। तो ए आई पी आर एम आया था 6.34, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन था पहले का, ठीक। फिर ए सी एस कितना आया हम लोग का, 1.25, श्रिंकेज जो आया हम लोग का 1.25, हम लोग श्रिंकेज कितना आया था हम लोग का 1.25, ये लिख लिया हम लोग। उसके बाद ए सी सी, ए सी सी जो आया है वो आया है 10.14। ए सी सी जो है कहाँ आया था हम लोग, ए सी सी ए सी सी जो ये पी आर एम इतना ये यहाँ लिख लिया, इसको टोटल कर लेंगे तो आया 17.73 mm, ये हो गया हम लोग का टोटल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब करेंगे हम लोग क्या, चेक फॉर कोड रिक्वायरमेंट, ठीक है। कोड रिक्वायरमेंट से क्या कहता है, कोड बोलता है आईएसओ 456/2000 क्लॉज 23.2 में जो पिछला ही था उसमें क्या बोलता है कि जो ये होगा मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन शुड नॉट एक्सीड स्पैन बाय 250, मैक्सिमम परमिसिबल मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन जो है वो क्या है, स्पैन बाय 250 ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक्सेड नहीं करना चाहिए। तो स्पैन के साथ हम लोग का इतना डिवाइड 250, तो आगे कितना 20 mm, ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग का एक्चुअल डिफ्लेक्शन कितना आया, आया था 17.73, तो ये क्या 17.73 जो है इतना से तो कम है 20 mm से, हैंसो क्या हो गया हम लोग का सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, इफ़ यू लाइक माई न्यूमेरिकल्स प्लीज़ शेयर इट, थैंक यू, प्लीज़ प्रेस द बेल बटन, थैंक यू।